राष्ट्रीय महामार्गाच्या भ्रष्टाचारी कारभाराचा भांडाफोड झाला आहे. नगरदौंड रस्त्याच्या या कामात भ्रष्टाचार होत असल्याची कबुली अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. आज नगरदौंड रस्ता संपूर्ण काँक्रीटीकरणाचा होत असून हा रस्ता आता बेळगाव मनमाड राष्ट्रीय महामार्गाच्या भ्रष्टाचाराचं एक रोल मॉडेल झाला आहे. कारण हा रस्ता करण्याची जबाबदारी असलेले दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इन्फ्रोकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडचे इंजिनियर आणि अधिकारी कामाच्या दर्जाबाबत उदासीन असून अंदाजपत्रकानुसार आज या ठिकाणी कोणीही काम करत नसल्याचं पाहायला मिळालं. रस्त्याच्या कामासाठी उभारण्यात आलेला प्लांट तर भ्रष्टाचाराचे कुरण होऊ पाहत आहे. येथे सिमेंट खडी वाळू डस्ट वापरून बनवण्यात येणाऱ्या मटेरियलमध्ये सिमेंट आणि पाण्याचा रेशिओ किती असेल याचाच प्रश्न पडला आहे. कारण याच प्लांटमध्ये मिक्स करण्यात आलेले मटेरियल रस्त्याला वापरण्यापूर्वी येथे असलेल्या लॅबमध्ये रोजच्या रोज त्याची तपासणी करणे अपेक्षित असताना अशा प्रकारे येथे कोणतेही नियम पाळण्यात येत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आमचे प्रतिनिधी सुजित गायकवाड यांनी या प्लांटमध्ये जाऊन दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इन्फ्रोकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या कामाचा भांडाफोड केला. या ठिकाणी असलेल्या लॅबमध्ये प्लांटच्या मशीनमध्ये मिक्स करण्यात येणारे DLC ड्राय मटेरियल आणि PQC मटेरियलची स्ट्रेंथ तपासणी केली जात नसून ही स्ट्रेंथ तपासणीसाठी असलेल्या ट्यूब आणि बीममध्ये येथील कामगार स्वतःच्या हाताने खडी वाळू सिमेंट आणि पाणी टाकून खोऱ्याने हे मिश्रण एकत्र करत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हे मिश्रण कामगार घमिल्याने परीक्षणासाठी असलेल्या ट्यूब आणि बीममध्ये भरत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की या बांधकामात भ्रष्टाचार होत आहे. मनोहर यादव गुजरात की और यहाँ सेक्शन हेड काम करता हूँ. आप कहाँ से कहाँ तक काम देख रहे हो और क्या? ये लोनी के पास 47 चैलेंज है, वहाँ से लगा करके लास्ट ट्रेन हमारा जो अपने क्या बोलते हैं वासन से फाटा लास्ट ट्रेन. सर हमें ये बताइए कि ये जो रोड का काम हो रहा है इसमें कई जगह पर ऐसा हुआ है कि जो डाम्बर है रोड का जो उखाड़ के वापस मुर्मीकरण में उसको यूज कर रहे हैं, ऐसा करने के लिए आपको परमिशन है क्या? नहीं, वो वापस मुर्मीकरण में यूज नहीं होता, वो तो एज ए वेस्ट हम लोग यूज करते हैं. साइड में कहीं ट्रैफिक निकालना है या कहीं मतलब वेस्ट जगह या किसी का डाउन लो लाइंग एरिया है वहाँ वो यूज हो जाता है. वो तो हमारा जो है स्क्रेप मटेरियल मतलब जो स्क्रीफाई मटेरियल होता है डाम्बर का स्क्रीफाई मटेरियल बोलते हैं उसमें उसको वेस्टेज वाली जगह में यूज करते हैं लो लाइंग एरिया में जहाँ भी जो है नीड होती है हिसाब से. नहीं, इसमें यूज नहीं होता है. और ये जो मुरुम का हाइट है हाँ जी वो कितना है? मुरुम कितना फील कर रहे हैं आप? कहाँ सर मुरुम का हाइट एज पर ये जो NH है इसमें क्या है कि हमको एक पर्टिकुलर लेवल फॉलो करना होता है. कहीं कटना भी होता है और कहीं फील करना होता है. इसको क्या है 80 से 100 की स्पीड में मेंटेन करना है तो जो FRLDN आते हैं अथोराइज अप्रूव्ड DN उसके हिसाब से काम करना होता है. ये वेरी भी करता है, कहीं कहीं कम जाता है. आप देख सकते हैं कहीं 1-1 मीटर है कहीं कम भी. तो ऐसा आपको फिल करने के लिए परमिशन से कर सकते हैं या नहीं? नहीं, उसको फिल नहीं किया जाता है. यदि कहीं बाई मिस्टेक हुआ है तो हम लोग उसको निकालते भी हैं. पूरा जो है रॉ मटेरियल बरेरे से आता है, अप्रूव होती है हमारे बरेरे क्वालिटी अप्रूव होती है, चेक होती है, उसके बाद ही यूज़ किया जाता है. ये मुरुम कहाँ से आता है और कहाँ कितना फिल कर रहे हैं? नहीं, वही बताया आपको मैंने. फिल करने का क्राइटेरिया नहीं है फिक्स. ये जो FRL के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू FRL कहीं ज़्यादा 1-1 मीटर 2-2 मीटर फिल करना, कहीं काटना भी है हमको. फिर सर आपके बिलिंग करते वक्त वो आप ऐसे दिखा रहे हैं? नहीं, बिलिंग इसमें सच नहीं होती कि कितना डबा निकलना क्या करा. ये EPC प्रोजेक्ट है, ये लमसम प्रोजेक्ट होता है, इसकी कॉस्ट फिक्स होती है, आइटम पूरे एग्जीक्यूट करना पड़ते हैं. इसमें कॉस्ट वाइज कोई मैटर नहीं है. सर कई जगह पर जब आपका मुरिम फिलिंग होता है तो उसमें पानी डाल मतलब दिखा नहीं गया. शालिनी प्लस साठी सुजित गायकवाड अहमदनगर.